हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 8 तारीख और 9 तारीख यानी कि 8 और 9 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे और आज यानी कि 10 मार्च के करंट अफेयर्स भी आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे। शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट मैत्री ब्रिज ऑन मार्च 9 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। 9 मार्च को पीएम मोदी ने जो मैत्री ब्रिज का उद्घाटन किया था तो वो भारत और किस देश के बीच है वो ब्रिज, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है और ये रहे आपके ऑप्शन और इसका सही आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। गाइज, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है, व्हेन द सन इज शाइनिंग आई कैन डू एनीथिंग, नो माउंटेन इज टू हाई एंड नो ट्रबल टू डिफिकल्ट टू ओवरकम। ऐसा बोला है विल्मा रुडोल्फ ने। विल्मा रुडोल्फ कौन थी, अमेरिका की ये धावक थी और इन्होंने काफी ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल्स जीते हैं और इन्होंने एकदम सही बात बोली है, जब तक ये सूरज साइन कर रहा है तब तक कोई भी काम हम कर सकते हैं, कोई भी पहाड़ी कोई भी पहाड़ी इतनी ऊंची नहीं है और कोई भी कठिनाई इतनी डिफिकल्ट नहीं है जिससे कि हम ओवरकम ना हो पाए, कोई भी परेशानी इतनी डिफिकल्ट नहीं है जिससे हम ओवरकम ना हो पाए। चलिए इसी के साथ आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, हु इज म्यांमार्स मिलिट्री चीफ हु कैरिड आउट द मिलिट्री कू इन फरवरी एंड डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री। फरवरी में किस म्यांमार के वो सैन्य प्रमुख कौन थे जिन्होंने तख्ता पलट किया था फरवरी में और उन्होंने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी देश में। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिन आंग लिंग। यही वो मिलिट्री जनरल है जिन्होंने आंग सान सू की जो कि वहां बहुमत के साथ जीती थी उनको कैद कर लिया यानी कि उनको नजरबंद कर दिया और देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। ये है वो जनरल और ये द हिंदू का आर्टिकल, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए एक बार म्यांमार की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहां पर ये है म्यांमार जिसको कि हम बर्मा बोलते थे और आज भी काफी देश ऐसे हैं जो म्यांमार को बर्मा ही बोलते हैं। ये म्यांमार का नेशनल फ्लैग है, ये वो जर्नल है और जो कि आज के टाइम में म्यांमार के पीएम है, पीएम के ही समकक्ष एक उन्होंने पोजिशन दी है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल चेयरमैन और ये वहां के राष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति हैं मिंते स्वे और म्यांमार की करेंसी क्या है, क्या इज द करेंसी ऑफ म्यांमार। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के जो नेबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन है यानी कि म्यांमार किन किन देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, तो यहां पर ये करता है बांग्लादेश के साथ शेयर, ये यहां पर ये करता है इंडिया के साथ, इस जगह यहां पर चाइना के साथ ये शेयर करता है, यहां पर लाओस और आफ्टर दैट थाईलैंड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज इन टॉक्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेन विच स्पेसिफिक टैग और सर्टिफिकेशन। एनएसडी किस विशिष्ट टैग या प्रमाणन को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग या सर्टिफिकेशन पाने के लिए जो एनएसडी के चेयरमैन है परेश रावल जी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं। ये है परेश रावल जी और ये द हिंदू का आर्टिकल है और ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए के बारे में थोड़ा ब्रीफ है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पोप फ्रांसिस इज करंटली टूरिंग विच एशियन कंट्री मेकिंग इट्स फर्स्ट एवर पेपल विजिट देयर। पोप फ्रांसिस वर्तमान में किस एशियाई देश का दौरा कर रहे हैं जिससे वह यहां वहां का यानी कि सिंपली बात यह है कि पोप फ्रांसिस किस एशियाई देश का दौरा कर रहे हैं या किस एशियाई देश का पहली बार दौरा कर रहे हैं। यह आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इराक का वो दौरा कर रहे हैं। द हिंदू का आर्टिकल है और आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। यह है पोप फ्रांसिस और यह है जो सिया के ग्रैंड आयातुल्ला, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो काफी सारे जो सेक्ट्स हैं उसमें से एक शिया और सुन्नी है, तो ये सिया के धर्मगुरु हैं इन कहां पर, इन इराक, आयातुल्ला अली अल सिस्तानी इनके साथ ये बात कर रहे हैं। अगर बात इराक की हो रही है तो इराक को एक बार मैप पर देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत
ये है हमारा प्यारा भारत और ये है इराक। अगर हम इराक की बात करें तो इराक का ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इराक इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इराक। इराक किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो यहां पर ये करता है जॉर्डन के साथ शेयर, ये सीरिया के साथ, यहां पर थोड़ा सा बांट करता है ये टर्की के साथ शेयर, और एक बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है ईरान के साथ। इस जगह ये बाउंड्री शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ, और ये छोटा सा जो पार्ट है यहां पर ये करता है यहां पर कुवैत के साथ शेयर। इराक की ऑफिशियल करेंसी क्या है, मतलब करेंसी क्या है? इराकी दिनार इज द करेंसी ऑफ इराक। ये इराक का नेशनल फ्लैग है। प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफा अल कादिमी, और जो प्रेसिडेंट है वो है बरहम सलीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इन विच ईयर द यूज ऑफ ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज इन पोलिंग इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड। भारत में सिंपली आपको बताना है कि पोलिंग के लिए ईवीएम कब शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष में उनकी उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपके ऑप्शन है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इन 1982 इसकी शुरुआत हुई थी, और उसको वो काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी थी, उसको बाद में वापस ले लिया गया था, और जब दोबारा पेपर वैलिड कराए गए थे तो जो अपोजिशन था, जो हारा था ईवीएम में, वो जीत गया था। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गोत्रो जरूर कीजिएगा। ये देखिए, डिफीटेड कैंडिडेट बॉर्न इन रिपोल यूजिंग बैलेट पेपर। ईवीएम का जब यूज किया था तो कोई और जीता था, जब बैलेट पेपर का यूज किया तो जो हार गया था वो इंसान जीता था, इन केरला। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे एक पड़ोसी देश का क्वेश्चन है। हाउ मेनी वोट्स डिड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सीक्वर इन नेशनल असेंबली टू विन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट अ की सेनेट सीट टू एन अपोजिशन कैंडिडेट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विश्वास मत को हासिल करने के लिए नेशनल असेंबली में कितने वोट सुरक्षित किए, क्योंकि उनकी पार्टी ने एक सीनेट सीट एक विरोधी उम्मीदवार को खो दी थी, मतलब जो सीनेट सीट थी वो एक विरोधी उम्मीदवार ने जीत ली थी। ये आपके ऑप्शन है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 178 सीट उन्होंने सिक्योर की है। द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गोत्रो जरूर कीजिएगा। जब बात पाकिस्तान की हो रही है तो हम उसके बारे में एक बार ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, या फिर ये कह सकते हैं ये इंटरनेशनल भिखारी है, क्योंकि ये हर जगह अपना हाथी फैलाते हैं। अभी न्यूज ये भी आ रही है कि इंडिया इनको वैक्सीन प्रोवाइड कराएगा, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। ये वहां के राष्ट्रपति हैं आरिफ अल भी। पाकिस्तान की अगर हम करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी रुपी इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। कैपिटल है पाकिस्तान की इस्लामाबाद, एंड लार्जेस्ट सिटी है कराची। देखिए मैंने यहां पर मेंशन भी किया हुआ है, आप इसे एक बार गोत्रो जरूर कीजिएगा। किन किन देशों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है? तो ये बहुत इजी है याद करने के लिए। देखिए, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान, केवल ये तीन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अगर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हम ना करें तो। चलिए आगे चलते हैं। ऑफिशियल नेम क्या है पाकिस्तान का? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे इंडिया की साइबर सिक्योरिटी को काफी नुकसान पहुंचा था। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डेड फ्यूचर अ यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप लिंक टू चाइनीज गवर्नमेंट विच हैड टारगेटेड 10 वाइटल नोड्स इन इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड 2 सीपोर्ट्स कॉजिंग अ पावर आउटेज इन मुंबई लास्ट ईयर इन 2020। अमेरिकी स्थित साइबर सिक्योरिटी फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर के अनुसार चीनी सरकार से जुड़े उस समूह का नाम क्या है जिसने भारत के बिजली वितरण प्रणाली में 10 महत्वपूर्ण नोड्स और 2 बंदरगाह का लक्ष्य रखा था, जिससे पिछले साल मुंबई में बिजली की कमी भी हुई थी। ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उस ग्रुप का नाम है रेड इको। द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गोत्रो जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल वीमन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये आपके ऑप्शन है, द करेक्ट आंसर इज मार्च 8। 8 मार्च को हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गोत्रो जरूर कीजिएगा। इस आर्टिकल को आप जरूर गोत्रो कीजिएगा, क्योंकि इसी पर बेस में आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगला प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ओपन इन विच स्टेट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में यहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस काफी हो रहे हैं, यहाँ के सीएम भी आई थिंक अब चेंज हो जाएंगे, तो आपको अब आंसर की हिंट मिल गई है, तो आप आई होप अब आंसर कर पाएंगे। भारत का पहला वन उपचार केंद्र किस राज्य में खोला गया है? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला
फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खोला जा रहा है। ये मिंट का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बार उत्तराखंड की लोकेशन देख लेते हैं भारत में, और उत्तराखंड के बारे में थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहां पर यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो ये उत्तर प्रदेश, यहां से स्टार्ट करते हैं, हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हरियाणा के साथ करता है, और उत्तर प्रदेश के साथ करता है। केवल तीन राज्यों के साथ ये शेयर करता है अपनी बाउंड्री। उसके अलावा ये नेपाल के साथ शेयर करता है, और तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है उसके साथ भी ये शेयर करता है अपनी बाउंड्री। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। देहरादून इज द विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड एंड गैरसैंण इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। अगर हम लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो देहरादून इज द लार्जेस्ट सिटी। कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में? 13 डिस्ट्रिक्ट है, जिनके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं, ये वो 13 डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम गवर्नर की बात करें तो ये बेबी रानी मौर्य जी हैं जो वहां की गवर्नर है, और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के चीफ मिनिस्टर नहीं है क्योंकि इन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है, तो अब ये वहां के चीफ मिनिस्टर नहीं है अभी। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो 70 सीट्स हैं यूनिकैमरल, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो राज्यसभा की जो सीट है वो 3 सीट है, और लोकसभा की सीट कितनी है? 5। स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था? इसको सन 2000 में, यानी कि 9 नवंबर 2000 में जब उत्तर प्रदेश से इसको तोड़ा गया था, तो ये 27वां राज्य बना था भारत का। कब बना था? 9 नवंबर 2000 में। चलिए आगे चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो आपको पता होना चाहिए। आईपीएल 2021 विल बी हेल्ड फ्रॉम, आईपीएल 2021 कब से आयोजित किया जाएगा? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज अप्रैल 9। 9 अप्रैल से आईपीएल का आगाज होगा। ये पूरा आईपीएल के बारे में मैंने आपको डिटेल्स दी है कि आईपीएल के मैच कब कब होंगे, ये वो टीम्स हैं, एंड आईपीएल की ये ट्रॉफी है। तो ये 9 अप्रैल से शुरू होगा और फिनाले जो इसका होगा वो 30 मई को होगा। द हिंदू का ये आर्टिकल, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस डिसीजन के बाद, जिस स्टेट ने ये डिसीजन लिया उसके साथ, उसके बाद काफी सारी स्टेट्स होंगी जो ये डिसीजन लेंगे, और उसके बाद जो हम अभी फ्रीली किसी भी स्टेट में जाके जॉब कर पाते हैं तो वहां पर कोई ना कोई इशू जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन 75% रिजर्वेशन टू द लोकल पीपल इन प्राइवेट सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब ये प्राइवेट सेक्टर में भी 75% रिजर्वेशन दे रहे हैं लोकल पीपल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया है? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने 75% आरक्षण दिया है किनको? लोकल पीपल को, इन प्राइवेट सेक्टर में। तो निजी क्षेत्र में अगर 75% अगर इन्होंने रिजर्वेशन दिया है तो ये काफी कंसर्न का विषय है कि ये अब हर स्टेट करेगा, और अगर हर स्टेट करेगा तो आप जो फ्रीली किसी भी स्टेट में अभी जॉब कर पाते हैं तो उसके चांसेस आपके काफी कम हो जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब अगर बात हो रही है हरियाणा की तो उसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये हरियाणा की गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और मनोहर लाल खट्टर जी जो कि चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, और ये है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी। अब हरियाणा को स्टेटहुड कब मिली थी? हरियाणा को स्टेटहुड मिली थी 1996 में, नवंबर 1, 1996 में। कैपिटल का है? कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी कैपिटल और हरियाणा की भी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, और जो लार्जेस्ट सिटी है वो है फरीदाबाद, और मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पॉपुलर सिटी, यानी कि सबसे ज्यादा जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, मतलब डिस्ट्रिक्ट यानी कि शहर है हरियाणा का, वो फरीदाबाद है। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो 19 सीट है यूनिकैमरल, और अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो राज्यसभा की 5 सीट है और लोकसभा की यहां पर 10 सीट है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो आर्टिकल जो इंटरनेशनल वीमेन डे का है वो आप अच्छे से पढ़िए, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेन डे 2021? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या था? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल इन अ COVID-19 वर्ल्ड। इट इज द मेन थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेन डे। ये यूनाइटेड नेशन की साइट का एक स्नैप है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। और यहां पर ये देखिए, वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ COVID-19 वर्ल्ड, ये क्या था? मेन थीम था
इंटरनेशनल बीमर डे का, जिसको के मनाया जाता है 8 मार्च को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जो कि आज का क्वेश्चन था, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट मैत्री ब्रिज ऑन मार्च 9 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अब तो ये मैं आपको 10 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूं, यानी कि कल के दिन पीएम मोदी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री ब्रिज का उद्घाटन किया। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ मैत्री ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसको एक तरीके से बोला जा रहा है कि ये रोडवे है टू नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इससे हम फिर नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश होते हुए भी जा सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ये प्रधानमंत्री है भारत के नरेंद्र मोदी और ये है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। अगर हम बात करें मैत्री ब्रिज की, तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखिए यहां पर वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है मैत्री ब्रिज को। फैनी रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। सब रूम जो कि साउथ त्रिपुरा में है और जो रामगढ़ बांग्लादेश में है, ये इन दोनों को कनेक्ट करेगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पहले बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और ये यहां पर बांग्लादेश है। तो अब इस जगह ये ब्रिज बनाया जाएगा। अभी तक हम जाते थे जब अपने सेवन सिस्टर्स यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, तो वहां हम जाते हैं इस वे के थ्रू, इस रास्ते से। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको हम बोलते हैं चिकन नेक भी, क्योंकि ये बहुत पतला रास्ता है जिससे हम नॉर्थ ईस्ट पर कनेक्ट कर पाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर काफी सारे कोशिश हो रही है, क्योंकि कोलकाता से फिर यहां पर सिद्धवी बंदरगाह के थ्रू भी हम जा सकते हैं, जिस पर काम चल रहा है। उसके अलावा ये मैत्री ब्रिज जब से ओपन हुआ है, यानी कि हम बांग्लादेश से इसके थ्रू रोड से भी हम जा सकते हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में। चलिए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। ये है शेख हसीना जो कि वहां की प्राइम मिनिस्टर है, और ये है अब्दुल हमीद जो कि वहां के प्रेसिडेंट है। ये वहां का राष्ट्रीय ध्वज है। बांग्लादेशी टाका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। अब बांग्लादेश किन किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? इंडिया के साथ यहां पर करता है, सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। फिर यहां पर यह करता है किसके साथ? म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो करता है ये बे ऑफ बंगाल के साथ शेयर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज ये इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन की बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है बांग्लादेश। का ऑफिशियल नेम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज, सिंपली आपको बताना है कि भारत में बहने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या है? तिब्बत जो कि चीन का पार्ट है, तो सिंपली आपको बताना है कि उसका नाम क्या है ब्रह्मपुत्र नदी का इन तिब्बत और इन चाइना। ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज यारलुंग जंगवो उसे बोला जाता है। यारलुंग जंगवो उसे बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है तिब्बत में। अगर हम सियांग की बात करें और डियालो, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है। ये दोनों अलग अलग नाम है, सियांग और डिलाओ, ये दोनों ब्रह्मपुत्र के ही नाम है इन इंडिया। जमुना कहां बोला जाता है? जमुना बोला जाता है इन बांग्लादेश। और यारलुंग जंगवो बोला जाता है इन चाइना और इन तिब्बत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार देख लेते हैं आर्टिकल, ये द हिंदू का आर्टिकल, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अभी न्यूज में क्यों, क्योंकि चाइना ने 5-ईयर प्लान बनाया है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि उन बॉर्डर के लिए जो इंडिया के पास है, तो इसलिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस हैज ऑर्गेनाइज ऑल वीमन परेड रिसेंटली। सिंपल अगर मैं इसे बोलूं तो आपको उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य की पुलिस ने ऑल वीमन परेड का आयोजन किया था। कब किया था? जो इंटरनेशनल वीमन डे है उसी दिन इन्होंने किया था। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने ऑल वीमन परेड का आयोजन किया था। ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए एक बार अगर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये है श्री बंदारू दत्तात्रेय जो कि वहां के गवर्नर है, और ये है जयराम ठाकुर जी जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला। कितनी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में? 12 डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 4 लोकसभा सीट है और
तीन राज्यसभा सीट हैं। अगर हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 68 है, जिनसे कि चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है। ये बाकी स्टेट एनिमल बर्ड फ्लोर्स एंड रिवर्स की आपके बारे में ब्रीफ है, हिमाचल प्रदेश के बारे में ब्रीफ है, आप इसे एक बार गोत्रो जरूर कीजिएगा। अब एक प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश ने स्टेटहुड का दर्जा कब लिया था, तो जनवरी मतलब 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को फुल राज्य का मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो आप मैप पर देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश, तो आप समझ पाएंगे जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उसके साथ शेयर करता है, फिर यहां पर ये पंजाब के साथ शेयर करता है, इस पोर्शन में ये हरियाणा के साथ करता है और उत्तर प्रदेश के साथ बहुत पार्शियली ये शेयर करता है, एंड द रिमेनिंग बाउंड्री ये करता है शेयर उत्तराखंड के साथ, और ये थोड़ा सा पार्ट करता है चाइना मतलब तिब्बत जो कि पार्ट ऑफ चाइना का है उसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रिसेंटली हु रिजाइंड एज द चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर आदित्य त्रिपाठी, बिल्कुल नहीं है, करेक्ट आंसर है बी एस पार्थसारथी। बी एस पार्थसारथी ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, ये मिंट का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट अमंग द 112 मोस्ट पॉपुलेटेड साइट्स इन द कंट्री रिलीज बाय सीपीसीबी। नाउ अब आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि सीपीसीबी की फुल फॉर्म क्या है। सीपीसीबी द्वारा जारी देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा, ओडिशा ने टॉप किया है। ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगर ओडिशा नंबर वन पर है तो उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पर है, जो ओडिशा है वहां पर 23 ऐसी कंटेनमेंट साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश में 21 है, एंड आफ्टर दैट दिल्ली जिसमें कि 11 ऐसी कंटेनमेंट साइट्स हैं। अगर ओडिशा की बात हो रही है तो हम ओडिशा के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो ये है नवीन पटनायक जी जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये है प्रोफेसर गणेशी लाल जो कि वहां के गवर्नर हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो ये है हमारा प्यारा भारत, एंड यहां पर ये है उड़ीसा। उड़ीसा किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, देखिए झारखंड के साथ करता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के साथ करता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, और यहां पर ये बहुत छोटा पोर्शन करता है तेलंगाना के साथ शेयर, और यहां पर ये करता है आंध्र प्रदेश के साथ शेयर। ये देखिए वेस्ट बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश टू साउथ, और यहां पर एक बहुत छोटा पोर्शन है जो ये शेयर करता है किसके साथ, तेलंगाना के साथ। ये देखिए यहां पर आप देख पाएंगे कि ये तेलंगाना है और यहां पर ये शेयर कर रहा है अपनी बाउंड्री ओडिशा। ये ओडिशा के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगर बात ओडिशा की हो रही है तो ये 8th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की एंड 11th लार्जेस्ट है बाई पॉपुलेशन, और अगर हम बात करें इसको स्टेटहुड कब मिली थी, तो इसको स्टेटहुड मिली थी 1 अप्रैल 1936 में, और इसी दिन को मनाया जाता है उत्कला दिवस ओडिशा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, 30 डिस्ट्रिक्ट है उसमें, और अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल 147 सीट्स है, और अगर हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो राज्यसभा की इसके पास 10 सीट है और लोकसभा की यहां पर 21 सीटें हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इंडिया ग्रांटेड हाउ मेनी, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं कल, ये रिपीट हो गया है, तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा कि 44.17 मिलियन नेपालीज रूपी इंडिया ने दिए हैं किसको, नेपाल को, अंडर नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत वो एक स्कूल बनाएंगे वहां पर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये नेपाल के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन, आप इसे एक बार गोत्रो जरूर कीजिएगा। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड गाइज अगर आपको जो मैंने अभी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी ऐड की है इसमें, अगर आपको वो अच्छी लगे देन प्लीज आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, आप उसके बारे में मुझे बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड गाइज अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में,
जो कि आज के दिन के करंट अफेयर्स होंगे, और उसके बाद हम रीजनिंग की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी जो बीच में रुक गई थी, तो आज उससे डे 5 या 6 से आई थी, तो उससे हम उसको भी शुरुआत करेंगे और आज से आपको डेली वीडियो मिला करेंगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।